बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार अब एक पारिवारिक व्यक्ति हैं, लेकिन खिलाड़ी अक्षय कुमार का एक रंगीन इतिहास भी रहा है। जहां तक उनकी लव लाइफ का सवाल है, पूजा बत्रा से लेकर उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना और प्रियंका चोपड़ा तक अभिनेता के पास कथित प्रेम संबंधों की एक श्रृंखला रही है। आपको बता दें, पूर्व मॉडल और अभिनेत्री पूजा बत्रा बॉलीवुड का एक सक्रिय हिस्सा नहीं है, लेकिन वो कभी खिलाड़ी कुमार के साथ अपने रिश्तों के लिए जानी जाती थी। खबरों की माने तो पूजा बत्रा और अक्षय ने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले एक दूसरे को डेट किया। जाहिर तौर पर पूजा अपने मॉडलिंग के दिनों में एक जानी मानी मॉडल थी, और यह उनके रिश्ते के कारण था कि अक्षय को बी टाउन की सबसे ज़्यादा होने वाली पार्टियों में एंट्री मिल जाती थी। हालांकि कुछ समय तक पूजा को डेट करने के बाद अक्षय बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए आगे बढ़े। अक्षय की कथित प्रेम संबंधों की सूची में अगला नाम आयशा झुलका का है। दोनों सितारों ने अपनी हिट बॉलीवुड फिल्म खिलाड़ी के साथ सुपर स्टारडम का स्वाद चखा। इस सफल फिल्म ने कथित नए रिश्ते को भी जन्म दिया, और वह था अक्षय कुमार और आयशा के प्यार की कहानी। अक्षय और आयशा की सिजलिंग केमिस्ट्री जल्द ही चर्चा का केंद्र बन गई, और गॉसिप मेंगर्स अक्षय के नए प्यार के बारे में चर्चा करने लगे। जब वह 90 के दशक के अंतिम दौर पर पर्दे पर धमाकेदार फिल्म देने के दौरान वह अपने समय के एक्शन किंग के रूप में उभरे थे, रवीना और अक्षय की केमिस्ट्री टिप टिप बरसा पानी में न केवल सुर्खियां बटोरी, बल्कि कथित तौर पर ऑफ स्क्रीन भी दोनों की केमिस्ट्री प्यार की राह पर चल पड़ी थी। 1994 में मोहर की शूटिंग के दौरान अक्षय और रवीना का प्यार कथित रूप से खिल उठा, और जल्द ही उनके प्यार में पड़ने की खबरें आने लगी। कुछ मैगजीन ने तो यह भी दावा किया था कि अक्षय और रवीना ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, लेकिन कुछ ठोस नहीं निकला। लेकिन कथित तौर पर लगभग 3 साल के लिए यह रिश्ते में रहने के बाद रवीना ने अपने स्पष्ट रूप से अक्षय के साथ संबंध तोड़ लिया। सन 1999 में स्टारडस्ट के साथ एक साक्षात्कार में रवीना यह बताने के लिए आगे बढ़ी कि अक्षय ने उनसे शादी करने का वादा किया था जिस दिन वह अपना आखिरी शूट पूरा करेगी। वह कथित तौर पर यह भी गुपचुप तरीके से अक्षय से मंदिर में सगाई करने की बात स्वीकार कर रही थी। अपने इस इंटरव्यू में रवीना ने कहा था कि उनकी वफादारी का मतलब है कि उनके लिए सब कुछ। उन्होंने इंटरव्यू में यह भी बताया कि जब अक्षय उनसे सगाई कर रहे थे, तब उन्होंने 2 अन्य लड़कियों से भी सगाई की। उनके अनुसार अक्षय ने अपनी सगाई को गुप्त रखा क्योंकि उन्हें अपनी महिला प्रशंसकों के खोने का डर था, और उन्हें लगा कि यह खबर उनके करियर को बर्बाद कर सकती है। अक्षय कुमार और रेखा, यह बॉलीवुड के सबसे चौंकाने वाले और चर्चित प्रेम संबंधों में से एक था। खिलाड़ी सीरीज की अगली फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान अफवाह यह थी कि अक्षय और अभिनेत्री रेखा कथित तौर पर प्यार में पड़ गए थे। रिपोर्टों ने यह तक कहा था कि अक्की की तत्कालीन प्रेमिका रवीना को उनके अफेयर के बारे में पता चला था, और उन्होंने जाहिर तौर पर रेखा से अभिनेता से दूरी बनाए रखने के लिए कहा था। अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी ने अपने हॉट केमिस्ट्री के साथ स्क्रीन पर जादू पैदा किया। उनके कथित रिश्ते ने बॉलीवुड में विभिन्न विवादों को जन्म दिया, और लगभग 1 साल तक मीडिया की नज़र में रहने के बाद शिल्पा ने कथित तौर पर खिलाड़ी कुमार के साथ अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पा को इस बात की जानकारी थी कि अक्षय अपनी बेस्ट फ्रेंड ट्विंकल खन्ना के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ग्लैमर इंडस्ट्री के कुछ खूबसूरत महिलाओं के साथ कथित रूप से डेटिंग करने के बाद आखिरकार खिलाड़ी कुमार ने अपना घर बसाने का फैसला किया। अक्षय ने 2001 में राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना से शादी की। उनकी शादी एक शानदार खबर थी जिसे बड़े स्तर पर कवर किया गया था। अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा, भले ही अक्षय एक शादीशुदा व्यक्ति थे, उनकी चुलबुली आदतें समय के साथ नहीं बदली। शादी के कुछ सालों के बाद अभिनेता एक बार फिर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ अपने कथित संबंधों के लिए चर्चा में आए थे। अंदाज, मुझसे शादी करोगी, ऐतराज़ और वक्त, रेस अगेंस्ट टाइम जैसी फिल्मों में काम करने के बाद उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हर किसी को दिखाई दे रही थी। हालांकि दोनों अभिनेताओं ने अफवाहों के बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ट्विंकल ने अपने पति को प्रियंका के साथ काम नहीं करने का निर्णय प्रशंसक अनुमानों के लिए पर्याप्त था। अक्षय और प्रियंका दोनों अब एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, और यहां तक कि सामाजिक समारोह में एक दूसरे की उपेक्षा करते हैं।